नमस्कार दोस्तों। दोस्तों हम सभी जानते ही हैं कि बजरंगबली को संकट मोचन भी कहा जाता है। वो इसलिए क्योंकि बजरंगबली अपने भक्तों की संकट को हर लेते हैं। श्री राम भक्त हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए कोई हनुमान चालीसा का पाठ करता है तो कोई सुंदरकांड का पाठ करता है, लेकिन अगर यही पूजा सही दिन और सही समय पर की जाए तो और ज्यादा फलदायी होती है। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको यही बताने वाले हैं कि हनुमान जी की पूजा का सही दिन और सही समय क्या है, जिससे आप बजरंगबली को जल्दी से प्रसन्न कर सकते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक निवेदन है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक करके हमारे परिवार का हिस्सा बन जाएं। कहते हैं कि मंगलवार और शनिवार का दिन पवन पुत्र हनुमान जी को समर्पित है। मंगलवार के दिन बजरंगबली की पूजा का विशेष महत्व है। कहते हैं मंगलवार के दिन व्रत रखने से शुभ फल की प्राप्ति होती है। इतना ही नहीं, मान्यता है कि शनि की साढ़े साती और शनि दशा को दूर करने के लिए भी बहुत लाभकारी है। मंगलवार के दिन व्रत रखने से सम्मान, बल और साहस में भी वृद्धि होती है। इस दिन शुभ समय में पूजा अर्चना करने से शुभ फल की प्राप्ति होती है और संकटों से मुक्ति मिलती है। आइए अब जानते हैं कि हनुमान जी की मंगलवार के दिन पूजा का सही समय क्या होना चाहिए और पूजा विधि पर भी नजर डालते हैं। मंगलवार को पूजा का सही समय। मंगलवार के दिन हनुमान जी की पूजा सुबह और शाम के समय करना फलदायी माना जाता है। इस दिन आप सूर्योदय के बाद और शाम की सूर्यास्त के बाद हनुमान जी की पूजा कर सकते हैं। वैसे तो पूरे दिन में सूर्यास्त के बाद ही पूजा का शुभ मुहूर्त होता है। अब जानते हैं मंगलवार को हनुमान जी की पूजा विधि। मंगलवार के दिन सही विधि के साथ हनुमान जी की पूजा करना शुभ माना जाता है। कहते हैं हनुमान जी की पूजा जितनी सरल है उतनी ही कठिन भी है। मंगलवार के दिन सुबह उठकर स्नान करने के बाद लाल रंग के वस्त्र पहन लें। कोशिश करें कि इस दिन आप जो वस्त्र पहने वो सिले हुए ना हो। मंगलवार के दिन आप घर या मंदिर कहीं भी पूजा कर सकते हैं। घर में पूजा करने के लिए पूजा स्थल को साफ करके यहाँ पर एक चौकी की स्थापना करें और उस पर लाल रंग का कपड़ा बिछा दें। इसके बाद उस पर हनुमान जी की प्रतिमा स्थापित करें, साथ ही भगवान श्री राम और माता सीता की मूर्ति रखना ना भूलें। इसके बाद बजरंगबली के आगे घी का दीपक जलाएं और सुंदरकांड का पाठ करें और हनुमान जी के मंत्रों का जाप करें। फिर लाल फूल, लाल सिंदूर और चमेली का तेल चढ़ाएं। इसके बाद हनुमान चालीसा का पाठ करें और हनुमान जी की आरती करें। मंगलवार के दिन भगवान को गुड़, केले और लड्डू का भोग लगाएं और परिवार के सदस्यों में प्रसाद बांट दें। अगर आप मंगलवार का व्रत रखते हैं तो ध्यान रखें, इसमें शाम के समय एक बार ही भोजन करना होता है। इस दौरान खाने में सिर्फ मीठा भोजन ही शामिल करें। साथ ही दिन में केले, दूध और मीठे फलहार शामिल कर सकते हैं। तो दोस्तों, यदि हनुमान जी की पूजा की सही विधि, सही दिन वह सही समय अगर आप हमारे बताए इन बातों का पालन करते हैं तो हनुमान जी की कृपा आप पर सदैव बनी रहेगी। तो दोस्तों यही थी आज की हमारी वीडियो। आशा करते हैं आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद। जय बजरंगबली।